कहाँ से दर्शन करके आ रही हूँ, बाकी बिहारी लाल की है। राधे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे। आपको ताजमहल के नजारे बाहर से दिखा रहा हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल MS ब्लॉगर में। इसमें मैं मथुरा के एक कपड़े में मौजूद हूँ और मैं मथुरा आपको विजिट करने जा रहा हूँ। इसके बाद मैं आगरा भी जाऊँगा, वहाँ भी विजिट करूँगा, उसके बाद मैं लखनऊ के लिए प्रस्थान करूँगा। चलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट करता हूँ। फिर मैं 9:30 बज चुके हैं और मैं मथुरा के मंदिर देखने के लिए आप अपने कंट्रोल से निकाल ओहो, ठंडी हवा आ रही भाई। बंद करो। पानी बहुत तेज गिर रहा है। कैसे मथुरा घूमोगे? दोस्तों इस समय मैं वृंदावन के प्रेम मंदिर के गेट पर खड़ा हूँ। अब मैं अंदर प्रवेश कर रहा हूँ। ये मंदिर श्री कृष्ण को समर्पित है, जो इटालियन मार्बल से बना हुआ है। चलिए अंदर चलते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा यह ब्लॉग पूरा देखने के बाद लाइक कर दी कर कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिख दीजिएगा। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि मैं इस तरह के टूर सीरीज को अपलोड करता रहता हूँ। इस समय मैं आपको बाहर से प्रेम मंदिर के दर्शन करा रहा हूँ। ये मंदिर काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। इसी के सामने मैंने आपको गोवर्धन पर्वत भी दिखाया है, इसमें बहुत सारे ग्वाले हैं। इसमें मैं श्री कृष्ण भगवान की झांकियां सामने आपको दिखाते हुए इस मंदिर के बाहर निकल रहा हूं और अब मैं जा रहा हूं इस्कॉन मंदिर की ओर। आप पहुंचे हैं इस्कॉन मंदिर। यह मंदिर श्री कृष्ण व बलराम को समर्पित है। लोग इस मंदिर को अंग्रेजों का मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर बहुत सारे अंग्रेज लोग आते हैं। आप इस मंदिर की सुंदरता को देखिए और श्री कृष्ण भगवान के दर्शन मेरे साथ कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। इसमें प्रसाद भी हो रही है और समय भी कम है, इसलिए मैं मथुरा को विजिट नहीं कराऊंगा। इसमें काफ़ी भूख लगी है। प्रेम मंदिर के थोड़ा ही आगे कुछ ढाबे बने हुए हैं, जहां मैं सबसे पहले भोजन करूंगा और भोजन करने के बाद मैं प्रस्थान करूंगा आगरा की ओर, जहां पर बच्चों को ताजमहल भी दिखाना है। ये सामने आपको आगरा दिल्ली हाईवे दिखाई पड़ रहा है, इसके बाईं ओर हम आगरा को ये प्रस्थान करूंगा। इसमें मैं आगरा की ओर निकल पड़ा हूं और दिन के 1:30 बजे हुए हैं और मुझे आगरा में ताजमहल भी बच्चों को दिखाना है। इसमें मैं सिकंदरा के सामने से गुजर रहा हूं और इसी के आगे गुरुद्वारा भी पड़ेगा, मैं उसको भी आपको बाहर से यहाँ के नज़ारे दिखा रहा हूँ। जब आप आगरा दिल्ली हाईवे से ताजमहल की ओर जाएंगे तो आपको दोनों ओर यहाँ जो मकान बने हैं वो पैरा कोटा एक ही तरह के रंगों से रंगे हुए हैं, जो जयपुर की शैली को मुझे देखने को यहाँ मिल रहा है। सबसे पहले मैं ताजमहल के पहले गाड़ी पार्किंग करूँगा, उसके बाद मैं आपको आगरा ताजमहल दिखाऊंगा।
जयपुर की तरह यहाँ भी एक ही कलर के मकान है। देखो भाई तांबे टांगा दिख रहा है, ताजमहल गेट सात पास कितना 0.7 किलोमीटर लगा। भैया रुक जा, कितने रुपए भैया? मैंने पार्किंग से ही ऑटो किया था जिसने 20 रुपए प्रतिशत लिया था। आप पैदल ही आइए क्योंकि कुछ ही दूरी पर ये ताजमहल स्थित है। इस समय हम ताजमहल के अंदर जा रहे हैं, वहाँ किसी को मैं आपको दिखाता रहूँगा, मेरे साथ वीडियो अंत बने रहिए। ताजमहल के अंदर प्रवेश करने के लिए सबसे पहले मैं टिकट लेता हूँ। टिकट ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों आपको मिल सकती है। अगर आपको ताजमहल के अंदर मकबरा देखना है यानी ताजमहल के अंदर जाना है तो आप 200 रुपये और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर आप 200 रुपये नहीं देना चाहते हैं तो बाहर से ही देखना चाहते हैं तो 50 रुपये में ही हो जाएगा। ताजमहल मोहम्मद की निशानी है और इसे बनाया था शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज़ के लिए। ताजमहल 7 दुनिया के अजूबों में से एक है, इसीलिए इंडिया के लिए सबसे बड़ा गर्व का विषय है। ताजमहल में आपको काफ़ी समय बिता सकते हैं। लोग यहाँ पूरा पूरा दिन एक्सप्लोर करते हैं और घूमते हैं। यहाँ एक बेंच बनी है जहाँ से लोग काफ़ी फोटोशूट इस समय करते हैं। ये बाहर से देखिए काफ़ी लोग फोटोशूट कर रहे हैं। इसमें हल्की फुल्की बरसात भी हो रही है, तभी लोग देखिए यहाँ काफ़ी भीड़ है। यहाँ इसमें मैं आपको बाहर से ताजमहल दिखा रहा हूँ। इसमें मैं आपको सामने यमुना नदी के भी दृश्य दिखा रहा हूँ। इस स्थान से जो सामने मैं दिखा रहा हूँ, इस स्थान से बहुत सारे लोग फोटोशूट करते हैं। अब मैं बाहर में चल रहा हूँ। यहाँ से मैं नखलों के लिए प्रस्थान करूँगा। इसमें 4:30 बजे हो गए। क्या दिखा रही? कैसे दिए भैया? 20 प्लेट भैया, 20 के 5 है। 20 के 5 पार्किंग के पास ही आपको मीना मार्केट दिखाई पड़ेगी, जहां से आप पत्थर की बनी हुई वस्तुएं अपने घर खरीद कर ले जा सकते हैं। और भी बहुत सारे सामान यहां हैं। ये सामने वेस्ट बंगाल की बसें टूरिस्ट खड़ी हुई है। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत स्थान बन चुका है। अब मैं नखलों के लिए यहाँ से निकल रहा हूँ। आपको रास्ते में पढ़ने वाले जी को दिखाता चलूँगा। बाबू यमुना नदी पेठा पंछी करे क्या भैया? सादा है बिल्कुल। और ये मीठे वाले क्या रेट हैं? 240, 280, 200, 180। इसमें मैं आगरा से पहले पेट्रोल टंकी पे खड़ा हूँ। 6:06 बज चुका है। अब हम नखलऊ आगरा एक्सप्रेस पर चढ़ने जा रहे हैं। वहाँ आते कर लोग तो प्रस्थान करेंगे कटरे। आगरा हाँ आगरा नखलऊ एक्सप्रेस कितना था कटरे जाओ करना।
सुबह मैं टूर टैच के पास बने हुए चाय की दुकान पर खड़ा हूँ, जहाँ मैं चाय पीने के लिए रुका हूँ। 10 रुपये प्रति कप मिलता है यहाँ चाय, और 20 रुपये का खस्ता भी यहाँ मिलता है। इसमें छोला भी डालते हैं लोग। मैं हम लोग सफाई के पास पहुँच चुके हैं, तो 7:30 बजे हुए हैं और हम लोग की ओर जा रहे हैं। जी मेरा राजस्थान टूर सीरीज का 7वां मैंने अंतिम एपिसोड है। इस एपिसोड में मैंने आपको वृंदावन से नकलों के बीच के सफ़र को मैंने दिखाने की कोशिश किया हूँ, और वहाँ के बारे में बताने का प्रयास किया हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और मेरे आने वाले वीडियो को आप जरूर देखिएगा। मैंने ये टूर सीरीज नखलऊ से शुरू की थी। सबसे पहले मैं सालासर गया था, उसके बाद खाटू श्याम, उसके बाद जयपुर, उसके बाद बालाजी, उसके बाद मैं मथुरा विजिट करके आगरा भी आपको मैंने ताजमहल दिखाए थे। अब मैं ये सीरीज यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अपने एक नई वीडियो के साथ एक नई सीरीज में। तब तक के लिए सभी लोगों को मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।